उधर मोड़ आया, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए, उसी में एक्सप्लेन कर अंकल दिया, ठीक है ओके। नाउ प्रिंसिपल मीन्स, प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, जो हम मूलधन हम लोग देते हैं, ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना है, 1000, रेट कितना है 10%, 3 ईयर्स के लिए पूछा, 4 ईयर पूछ सकता है, 5 ईयर कुछ भी पूछ सकता। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा ही जानते हैं क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। तो अब इसका वैल्यू कितना है, 10,000 इंटू आर कितना है हमारा, 3 ईयर्स, 10 कितना है, 3 बाय कितना जाएगा, दो जीरो क्या जाएगा, कट जाएगा तू, हाँ। तो कितना है तुम्हारा, 300 आए। तो अगर हमसे एसआई में पूछेगा अमाउंट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, जो हमारा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं। यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकते, क्वेश्चन में गुड़ा करके आपको कुछ भी दे सकता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 10,000 लिखेंगे आप, प्लस सॉरी 1000 एंड सॉरी 1000 प्लस 300, तो व्हाट विल बी, 1300। अगर 1000 में 300 जोड़ेंगे कितना होगा, 1300, कोई प्रॉब्लम। तो ये इसको बोल, ये तो हो गया तुम्हारा एसआई कैसा। अब सीए कैसे निकालेंगे, तो सीए का तो फॉर्मूला सब भी है, बहुत सारा टेक्निक भी है। तो सीए में यही है, इसमें क्या करेंगे, जो बेस्ट मेथड है वो हम बता रहा हूँ, फार्मूला से इम्प्रूव कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सीए बोलो, या ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट ईयर सीए एंड एसआई विल बी इक्वल, फर्स्ट ईयर हमेशा समान होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखो इस दोनों में डिफरेंस समझो क्या है, सीए क्या हो जाएगा, पीआरटी भी हम लगाएंगे वही पीआरटी बाय 100। तो पीआरटी हमारा कितना है, 1000 इनटू कितना है, 10 इनटू कितना है, 1, एक साल के लिए निकाल रहा हूँ ना, एक 3 इयर्स का है, तो 1 कर करके, ठीक है, बाय 100 बाय क्या हो जाएगा, 100 दो जीरो दो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाए कितना है, 100 आया, हाँ। अब तुम ध्यान सोचो, अब ये 100 क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर जब निकालेंगे इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाए, यही दिमाग में रखेंगे। तो कितना सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 1100 सेकेंड ईयर सी आई कितना हो जाएगा, 1100। तो 1000 में माइंड से भी थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 कितना हो गया, 1100 1100 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100 0 कट जाएगा, तो 20 तो अपना घर गया, कितना हुआ, 1 कोई प्रॉब्लम। जो सेकेंड ईयर का तो निकाल लिए, अब रह गया थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में 110 सीआई क्या होगा हमारा, कितना है थर्ड ईयर में प्रिंसिपल, 1210। तो ये प्रिंसिपल है, देखो एसआई में क्या होता था, ये कभी प्रिंसिपल कभी नेवर विल चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता जाए, ठीक है। तो कहने का सेंस हुआ कितना, 1100 में 110 110 इफ वी ऐड, तो क्या कितना मिलेगा, 1210 1210 इंटू रेट तो हमारा 10 ही है, इंटू 1, देखो एक साल वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर भाई क्या हो जाएगा, 100 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, कितना हो, 1 2 1 कितना है हमारा टोटल, जोड़ दो, माइंड से भी करेंगे, 100 100 331 अब 10 और 21 कितना हो जाएगा, 331 31 कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा सीए हो जाएगा, सीए क्या हो जाएगा, 331। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं सर। अब यहीं पर हमको पूछेगा अमाउंट कितना होगा, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू,
p into 1000 plus 331 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 1000 1331। तो यही क्वेश्चन में दे देता है ना, ऐसा है सी आई का डिफरेंस कितना है दे देता है, अभी कितना का डिफरेंस है। तो तुम अगर इंटरेस्ट लगाते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट कौन सा है, एस सी आई। लेकिन हम किसी से कर्ज लेते तो हमारे लिए क्या है, ये इसमें हमको 31 रुपया तो बचत हो रहा है, समझ रहे हो डिफरेंस, पहले समझ में आया। तो अब देखो मैं इसको फार्मूला पर ही कर देता हूँ, तुमको डायरेक्ट आ जाएगा। मैं 3-4 मेथड बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत से मेथड है, लेकिन पहले चीज़ को समझो कैसे होता है ये चीज़। सी आई में प्रत्येक बार जो है सो इंटरेस्ट रेट जैसे क्या होता है वह प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा, यही हमको समझना है। नेक्स्ट जाओ, क्या होता है सी आई का फॉर्मूला याद रख लो, नहीं याद रहेगा तो हम सॉल्यूशन दे ही दिया, दिस इज द सॉल्यूशन। सब सवाल बने, हम सब सवाल सी आई से इसी बनाए, क्योंकि तुम लोग 9-10 या NDA का तैयारी करो, जो भी करोगे इसी में तुमको काम आएगा। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n माइनस पी होगा, प्रिंसिपल माइनस करेंगे ना। हाँ। तो पी कितना है बाबू, 1000 × 1 आर कितना है 10/100 पावर कितना हो जाएगा n माइनस हो जाएगा 3 n 3 हो जाएगा। तब देखो ये 0-0 तो कट जाएगा, इसको जो देखो 1 में कभी भी हमेशा याद रखना 1 में 1/10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। एक जोड़ दो ना, इसी में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11 का कितना हो जाएगा, माइंड से ही हम कर लेंगे। अब बच्चा लोग क्या करने लगता है, इसको एलसीएम करते हैं, ऐसा कर कुछ नहीं करता, या वैसे भी तुम इसका बहुत सारा हम ऐड समझा देंगे। तो समझ सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या है 1000 × कितना, ये पावर है तो कितना बनेगा 11/11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा ना, 11 × 11 × 11 बाय कितना हो जाएगा 1 × 3 × 0 आ जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा 1000 होगा। अब देखो ये 3 0 0 अपना घर गया, 11 का क्यूब हम बताए तो कितना होता है 1331। वैसे भी 11 121 और 121 के 11 का रूल बताए दे ना, 1 लिखेंगे 3 लिखेंगे फिर ये 3 हो जाएगा फिर क्या होगा, तो कितना आएगा 1331 माइनस 1000, तो तुमको क्या मिला 331 मिला। तो देखो सेम आ गया तो तुम्हारा कि नहीं, अब अमाउंट यहाँ पे पूछता तो हम पी माइनस नहीं करते, समझ रहे हो। तो हम फार्मूला से भी वही आ रहा है, हम कोई से भी आ रहा है, लेकिन ये हम नहीं सजेस्ट करता हूँ, ये फार्मूला हम भूल भी सकते हैं या नहीं, तो हम जो है सो हमारा जो है सो जब कभी रेट या विभिन्न तरह का प्रश्न सवाल जाएगा तो उसमें हम फंस सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा टफ हो जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या करें, किसी चीज़ को अकेले तोड़ोगे ब्रेक करोगे तो वे क्या होगा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और एक ही बार में करोगे तो वे क्या हो जाएगा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, सभी को समझ में आया सी आई क्या है, एस आई क्या है। yes, sir. इसका हम और एक मेथड बता देता हूँ, इसको ध्यान से देखो, जिसको तुम चुटकी में ही बना सकते हो, यही आंसर आएगा इसका। जैसे मैं बोल रहा हूँ जिसको शॉर्ट कट या ट्रिक बोलते हैं, बहुत सारा बहुत कुछ बोलते हैं हम, हमारा प्रिंसिपल कितना है 1000 है, तो जब 3 times लेगा तो 3 times लिखना, इसका 10% मतलब क्या, 1000 का 10% मतलब कितना 100। ये समझ तो परसेंटेज क्लास में समझा देंगे कैसे होता है, ये देख लो 1000 है, 10% निकालेंगे कितना होगा, कितना होगा 100 होगा, तो हाँ तो इसको 3 times लिखेंगे 100 100 100 100। तो ये जो पहला ये होता है यही तो हो जाता है, ऐसा 100 100 100 कितना हुआ 300 आए थे कि नहीं सर। हाँ एक ही बार में हम कर दिए ऐसे निकाल के, और कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला नहीं निकाल रहा। अब सभी से निकालो, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, यहाँ पे लिखते जाओ 10, इसका 10% कितना होगा 10 होगा 10, फिर इसका 10% कितना होगा 10, फिर इसका भी तो 10% 10। लेकिन
ये तो हम कर लिए, तो जो सेकेंड ईयर तक गया, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, एक पर तो फिर इंटरेस्ट लगेगा ना, 100 का सॉरी 10 का निकाल, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 अब सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पर कितना है 31, तो कितना हो जाएगा ऐड जब करेंगे तो कितना, 331 यहाँ से भी आ रहा है कि नहीं, हमको एक ही चेन चेन में जैसे हम बनाते हैं अब इतना, लेकिन ये हमको जब हम बड़ा एनडीए उसके बारे में समझाएंगे या कोई भी कंपटीशन करोगे तो हमको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, माइंड से ही कर लेंगे सीए क्वेश्चन, तो हमको ये समझ में आ गए, यहाँ से तुमको कुछ भी पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है, तो तुम जैसे इसको निकाल सकते हो, मतलब प्रत्येक साल सीए में यही है, जो प्रत्येक साल में क्या होता है चेंज होता जाता है, और ये जो है ये चेंज है, समझ में आया, अब यही भी पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा ऐसे, ये क्वेश्चन दे दिया तुमको, अब पूछेगा ऐसे सी ए ऐसे का कितना डिफरेंस होगा, बोलो कितना होगा, 31 क्या होगा डिफरेंस, 31 अरे तो ऊपर वाला ऐसे होता है, ऊपर वाला क्या होता है ऐसे, ये टोटल क्या होता है सी आई, तो हम ऊपर वाला को लिखेंगे ही नहीं, तो यही तो यही बच गया ना, 10 10 10 10 31 मुँह से ही बोल दे, इतना हमको कैलकुलेशन ही नहीं करना होगा, लेकिन हमको सब कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, सी ए एंड एस ए, सी ए एंड एस ए यू कैन गेट इन एनी एग्जाम, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये क्वेश्चन जैसे प्रत्येक एग्जाम में जैसे पूछा जाता है।